नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो बहुत ही खास, नए नए सुंदर सुंदर जो फूल आप देख रहे हैं ये सर्दियों के फूल हैं, और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो आज की होने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आज जो सर्दियों के फूल लगाए जाते हैं वो किस तरह से लगाए जाते हैं और कौन कौन से फूल हैं उनके बारे में हम आपको आज लगाएंगे और बताएंगे भी। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। तो आप देख रहे हैं कि सुंदर से जो पिटूनिया के आप फूल देख रहे हैं और डायंथस के फूल देख रहे हैं, ये बहुत ही अच्छे कलर्स में और वैरायटी में आते हैं। और सर्दियों में जो आपका गार्डन है उसमें ये चार चांद लगा देते हैं। देखिए इसमें कितने सारे जो कलर्स हैं वो अवेलेबल हैं, और इसमें पिंक, मैरून, रेड और एक आपका पर्पल, वाइट, बहुत सारी शेड्स इसकी आती हैं। और डायंथस की भी देखिए आप, जो मल्टी शेड है वो पौधा हमने लिया है। और आज नवरात्रि का पहला दिन, और आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं नवरात्रों की, और माता रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे और हमेशा आप ऐसे ही खुश रहें, मुस्कुराते रहें और ऐसे ही आनंद लेते रहें नई नई वीडियोज़ का। और ये देखिए इधर मिट्टी जो है वो हमने तैयार कर ली है, और मिट्टी में हमने जो खाद है वो मिलाया है। ये देखिए इधर खाद, गाय की गोबर की खाद है वो भी हमने मिला ली है। और जितने भी ये पौधे आप देख रहे हैं वो सारे के सारे हम अपने कंटेनर्स जो हैंगिंग बास्केट्स हैं उसमें लगाने वाले हैं, तो इसमें लगाएंगे भी। और जो और बात कर रहे थे कि सर्दियों में कौन कौन से पौधे हम लगाते हैं, तो जैसे एक तो मैंने आपको बताया कि ये डायंथस हो गया, उसके बाद फिर ये एक पिटूनिया है जिसमें बहुत सारे कलर्स आते हैं, उसके बाद फिर पेंजी होता है, पेंजी का भी काफ़ी खूबसूरत बटरफ्लाई जैसा फ्लावर होता है, और एक होता है गेंदे जो सदाबहार आपके गार्डन को खुशी देते रहते हैं। और आइए गेंदे के पौधे भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए गेंदे के पौधे हमने लगाए हुए हैं, और इन पर जो बर्ड्स हैं वो भी आ चुकी हैं, ये देखिए। तो गेंदे को भी आप ऐड कर सकते हैं, और ऐसे ही सदाबहार का भी पौधा होता है वो भी आप सर्दियों में आप लगा सकते हैं। बाकी कॉस्मोस है और डेलिया आएगा, तो काफ़ी सारी वैरायटी सर्दियों के लिए रहती है। तो जैसे जैसे आएगी तो और लगाते रहेंगे हम अपने गार्डन में। और ये देखिए ये आप जो पौधा देख रहे हैं ये हार श्रृंगार का है, और इस पर भी अब जो फूल है वो खिलने लगे हैं। हालांकि इसके जो फूल हैं वो अर्ली इन द मॉर्निंग खिल जाते हैं, और जब हम सोकर उठते हैं तो हमें वो ज़मीन पर पड़े हुए नज़र आते हैं। तो बहुत छोटे छोटे से और बहुत सुंदर से फूल इसके खिलते हैं, पारिजात का नाम है इसका ये भी बोलते हैं। और आइए अब लगाते हैं अपने जो पौधे हैं वो बास्केट्स में, हम अपने पौधों को लगाएंगे। तो इस तरह से जो पौधे हैं हमारे वो बास्केट में अब रखेंगे हम, और जो इनका रूट बॉल है उनको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, क्योंकि ये बड़े सेंसिटिव होते हैं पौधे और ज़्यादा जल्दी नाराज़ हो जाते हैं। तो रूट बॉल के साथ ही हम इनको जो है वो अपने हैंगिंग बास्केट्स में रख देंगे, और फिर जो मिट्टी है जो हमने तैयार की हुई है उसको भर देंगे। और इसी तरह से जो सारे पौधे हैं वो हम लगा लेते हैं और फिर आपको लगाने के बाद दिखाते हैं। तो इस तरह से दोस्तों जो सारे अपने पौधे हैं पिटूनिया के वो लगा दिए हैं, और ये जो हैंगिंग बास्केट है अपना इसमें ये पिटूनिया के पौधे लगा दिए हमने। और अब वाटरिंग की बारी है, तो आइए करते हैं इनमें वाटरिंग। और पहली बार जो है वो अच्छी वाटरिंग हमने करनी है इनमें, ये देखिए। तो इस तरह से जितने भी अपने पौधे हैं उन सारों में हम जो वाटरिंग है वो कर देंगे। तो इसी तरह से आगे भी वीडियो आती रहेंगी, तो आप वीडियो को ध्यान से देखते रहना और अपना प्यार बनाए रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।